हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बात करेंगे सुपर टेट 2023 के विज्ञापन को लेकर के, साथ ही साथ IB में एक बड़ी भर्ती आई है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, और UP SSC से एक अपडेट है उसको भी हम देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आई है आज ही न्यूज़पेपर में कि 5 साल में 20 लाख नए बेरोजगार भर्ती का इंतजार। बेसिक और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 साल से नहीं हुई है भर्ती। प्रदेश में हर साल डेलेड की 2,41,000 व बीएड की 2,40,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाते हैं। 5 साल में विभिन्न संस्थानों ने कम से कम 20 लाख बेरोजगारों को बीएड की डिग्री व डेलेड के तहत डिप्लोमा दिए हैं, लेकिन जिन भर्तियों के लिए इन बेरोजगारों ने बीएड व डेलेड की पढ़ाई की हुई वो 5 साल से अटकी हुई है। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती वर्ष 2018 में आई थी, इसके बाद से अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी 5 साल पहले ही आया था। तो यहां पर बताया गया कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, आपने देखा होगा 69,000 पदों पर भर्ती थी, वो आपका 2018 में आया था। एलटी भी आपकी 2018 में आई थी, और यह दावा किया जा रहा है कि प्राइमरी और उच्च शिक्षा मिलाकर तकरीबन 1,75,000 पद खाली है। एक छोटा सा स्टेट है बिहार, और बिहार में जब इतनी बड़ी भर्ती आ सकती है तो इतने बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश में इतनी भर्तियां, कम से कम 2 लाख भर्ती, 1,75,000 भर्ती यहां पर भी आराम से आ सकती है। बट इसको लेकर कोई भी अपडेट अभी जो है यहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है कि हम नई शिक्षक भर्ती ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। उसी को लेकर के आज एक बहुत बड़ा अभियान होने वाला है। आपको हम बता दें, मैंने कल भी अवगत कराया था आपको, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो धरना है वो अनवरत 75 दिन से चल रहा है, और आज जो है उसका 75वां दिन है। और आप लोगों को आज ट्विटर पर कंपेन करना है, 5 जून सुबह 11 बजे से आप लोगों को रेडी रहना है, और #UPWantPRTVacancy ये आपको जो है ट्रेंड करवाना है। इतनी सारी संख्या उत्तर प्रदेश में कि अगर 15 मिनट भी अगर ढंग से आप लोगों ने ट्विटर पे कंपेन कर लिया तो समझ लीजिए कि फिर वो आपका जो है ट्रेंड ही हो जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ट्विटर चलाते हो, नहीं चलाते हो तो डाउनलोड कर लो, कैसे करना है क्या करना है सब कुछ आप लोग पता कर लीजिए। और आप लोग #UP1PRTVacancy, अगर आपको ट्वीट करना नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल दी है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, आप लोगों को ट्वीट करना आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी टेट पास सीटेट पास छात्र हैं वो सभी लोग जो है आज जाकर #UP1PRTVacancy आप लोगों को ये ट्रेंड करवाना है। और अगर नहीं चलाना आता है ट्विटर तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जरूर जाकर आप देखिए उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपडेट है वो IB में जो है यहाँ पर 797 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर Grade 2 और टेक्निकल परीक्षा 2023 की यहाँ पर वैकेंसी आई है। आयु सीमा 18 से 27 है। पात्रताओं के लिए आपके पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और ऑनलाइन चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगा, कौशल परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा, व्यक्तित्व परीक्षण होगा, और जो आपका ऑनलाइन पेपर बहुविकल्पीय होगा उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगा। 25,500 से लेकर 81,100 रुपए है। आवेदन की अंतिम तारीख 23 जून है, और अगर आप लोगों को जाकर आवेदन करना है तो ये रही उसकी ऑफिशियल साइट www.mha.gov.in, यहां पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार जाकर इस साइट पर देख लीजिए और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। चलिए अगली अपडेट है UP SSC से। एडेड कॉलेज में भर्ती UP SSC से कराने की तैयारी इस बार है। आपको हम बता दें किस किस पदों पर भर्ती होने वाली है। तो एडेड कॉलेज में पहले स्टेनोग्राफर, लेखाकार और कैटलागर के पद हुआ करते थे। स्टेनोग्राफर और लेखाकार का कंप्यूटर ऑपरेटर से कराया जा रहा है, कैटलागर का काम पुस्तकालय में होता था। अब पुस्तकालय डिजिटल हो गए हैं तो उनका भी काम जो है खत्म हो गया है, इसलिए अब इन पदों पर भर्तियां नहीं होंगी। आने वाले दिनों में कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक की भर्तियां होंगी, तो ये आप देख सकते हैं। और अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती वहां की प्रबंध समिति करती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP SSC से कराई जा सकती हैं। सरकार की मंशा है कि जो शैक्षणिक संस्थान वित्त पोषित हैं वहां पर सभी तरह की भर्तियां आयोग से कराई जाएं। ऐसे ही बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा मदरसा संस्कृत और अल्पसंख्यक के एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। इसके अस्तित्व में आने के बाद कर्मचारी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि एडेड कॉलेज में जो भर्तियां हैं कुछ वो UP SSC कराएगा, बाकी और जो भर्तियां होने वाली हैं शिक्षकों की वो सब तो आपका जो नया शिक्षा आयोग बन रहा है वहां से जो है भर्तियां कराई जाएंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट थी आज, इतनी सारी अपडेट है। बाकी आप लोग 11 बजे बिल्कुल रहिएगा, और जो आपको ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है वो चीज मैंने आपको बता दिया है, #UP1PRTVacancy आप लोग जरूर ट्रेंड कराएं। और अगर आपको ट्विटर चलाना नहीं आता है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, जाकर आप लोग वहां से जरूर देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।